नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। धनुषाक मिथिला नगर पालिका में डकैती, डाकू से प्रहार कैल गेल गोली से एक गोटे घायल। प्रदेश नंबर दू प्रदेश सभा से आकस्मिक कोष संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक स्वीकृत। कृषक संघर्ष समिति 12 से अलगे वेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केंद्र स्थापनाक मांग, मांग संबोधन करवाक मंत्री सोनलक आश्वासन। जनकपुरक मारवाड़ी युवा मंच से सराहनीय काज, विभिन्न कारण से पैर गुमौने सबके कृत्रिम पैर वितरण कैलक। बालक निशान के अपहरण के हत्या केनिहार सब इनकाउंटर में मारल गेल, गृहमंत्री के दावी। अपहरणकारी के 24 घंटे भीतरे निस्तेज कैल गेल कहब। आप समाचार विस्तार से। धनुषा में डकैत सबक गोली प्रहार से एक गोटे गंभीर घायल भेल। बीतल रात मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 8 जमुनी बास में सानी माया श्रेष्ठ घर में लूटपाट भेल। एहि क्रम में डाकू सबक गोली प्रहार से सानी मायक बेटा 35 वर्षक दीपक कहा वाला पुष्पलाल श्रेष्ठ घायल भेल। लूटपाटक क्रम में प्रतिकार केला बाद डाकूक गोली लागि कऽ श्रेष्ठ घायल भेल। करीब 25 गोटे के समूह में आयल ओ सब परिवारक सदस्य सबके पीटपाट सेहो केने छल। दू गोली लागल श्रेष्ठक काठमांडू स्थित ट्रॉमा सेंटर में इलाज भऽ रहल अछि। डाकू सब सानी मायक चारू बेटा के घर में लूटपाट केने छल। श्रेष्ठक घर से ओ सब 6.5 भरि सोन, 15 भरि चानी आ 2.5 लाख नगद सेहो लूटलक अछि। डाकू सबक खोजी जारी रहल, प्रहरी जनौने अछि। सुतिराख नाथ नानीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, यो पुरै बत्ती बन्द थियो अनि ढाङ्ना माइल दिदीहरू पनि सुतिराख्नु भएको, माइल दिदीको चाहिँ चुकु लगाइदिइसकेको थियो। अनि मेरो हल्का आवाज आएपछि मैले बिस्तारै ढोका खोल्यो, पहिला यो बत्ती बाले सबै अँध्यारो थियो, बत्तीहरू पनि बत्ती बालिसकेपछि अनि यहाँबाट हेरेको थुप्रो मान्छे बोलबमको ड्रेसहरू लगाएको थियो कि, अनि मलाई चाहिँ के शङ्का भयो भने बोलबमहरू बाटो घुतेर आएको पनि हुनसक्छ भन्दा मैले चाहिँ एकछिन मम्मीलाई पनि उठाइनँ। अनि जब माइली दिदी पनि उठेपछि मेरो चुकु लाग्छ यसमा चुकुल खोलिदियो भने पछि मलाई त्यो भने पक्कै डाटा हुने होला भनेर मैले मम्मीलाई उठाएँ। अनि मम्मीले को हो को भन्दा नि मुख थाहा गरी गरी तिनीहरू बोलेँ कि। अनि मैले दिदी नन्दा पनि भित्र गएँ, मैले मम्मीलाई पनि भित्र लिएर गएँ। त्यसपछि जेठो दाइलाई फिट गरेर खुकुरी राखेको थियो उसमा घाँटीमा, भयो भने सम्पत्ति दिएँ, नभए त्यो लुनालाई मारिदियो भने दिदीले सबै म दिन्छु तर मेरो कुरालाई केही नगर्नु। बिहान पनि त्यो 2 मोबाइल अनि 1.5 तोला जति सुन 20,000 नगद पैसा थियो। जेठी दिदीको पनि मोबाइलहरू लग्यो अनि अनि के भन्छ अरे गरगना पनि थियो, 2.5 तोला जति पनि थियो उसको पनि, अनि 10,000 पैसा लग्यो। अनि मेरो चाहिँ त्यही 15,500 पैसा र अनि त्यही कागजपत्रमा पुँजी दियो, सबै पुँजी लिएर अनि सबै दराजको फोरेर सबै निकालेर अनि सबै लिइसकेपछि अनि तब फेरि माथि गयो। माथि गएर अनि सबैजना हामी एउटै कोठामा ढुक्यौँ, सबैजना माथि गयो अनि माथिबाट अनि भित्रबाट हामी खेल्ने, बाहिरबाट चोरले खेल्ने, हामीबाट भित्रबाट खेल्छौँ, ऊ चोरले बाहिरबाट खेल्छ। अनि चारजनाले खेल्दा खेल्दा अनि तब सकेन अनि यो टाटै फोरिहाल्यो, टाटै फोरेर अनि बन्दुक देखाउनु थाल्यो। अनि तब हामीले भक्दना केवारी खोल्यौँ अनि सबै अनि बुहारीको चाहिँ पोते नै चाटो छिन आयो अनि मेरो चाहिँ सबै यसो यसो गऱ्यो। वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 28 बगही में आग लगी भेला से एकटा घर जरि कऽ पूर्ण रूपे नष्ट भेल अछि। स्थानीय बद्री महतो के घर आग लगी से जरि कऽ पूर्ण रूप से नष्ट भेल अछि। मच्छर बाला भगाव वाला बारल घूर से आग लागल अनुमान कयल गेल अछि। आग लगी से एकटा भैंसी, 5 बकरी, 4 लाख बराबर के टेंटक सामान, लत्ता कपड़ा सब जरि कऽ नष्ट भेल अछि। आग लगी बाद 13 सदस्य रहल मंडल परिवार समस्या में पड़ल अछि। आग लगी से 4,35,000 क्षति भेल अनुमान कयल गेल अछि। रात भेल आग लगी के दमकलक सहयोग में नेपाल प्रहरी आ स्थानीय बासिंदा मिलकर नियंत्रण में लेने छल। आजुक प्रदेश सभा के बैसार में प्रदेश नंबर 2 के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव प्रस्तुत केने प्रदेश आकस्मिक कोष संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक सर्वसम्मत से स्वीकृत भेल। सभामुख सरोज कुमार यादव अनुमति देला बाद मंत्री यादव विधेयक ऊपर विचार कैल जा कहत प्रस्ताव प्रस्तुत केने छलथि। माननीय सभापति महोदय को अनुमति दी, प्रदेश सभा का संकलन नियमावली 2077 उपनियम 107 को उपनियम 1 बमोजिम प्रदेश आकस्मिक को संबंध में व्यवस्था बनाने बने को विधेयक 2077 माध्यम विचार करिए स्वयं प्रस्ताव प्रस्तुत। विधेयक ऊपर सैद्धांतिक परामर्शक लेल सभामुख यादव विधेयक ऊपर विचार कयल जेबाक प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत केला बाद सर्वसम्मत स्वीकृत भेल छल। प्रस्ताव
हुन्छ भन्नुहोला यसको विरोधमा हुने माननीय सदस्यहरूले यो प्रस्ताव पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस् यो प्रस्ताव विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस् हुन्न धन्यवाद सुनिएन तसर्थ प्रदेश आकस्मिकको समन्वय व्यवस्था गर्नु भएको थिए 2075 विचार गरियोस् भने माननीय आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री श्री विजय कुमार यादवले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु अहिसँ पहिने शून्य समयमै विभिन्न दलक प्रदेश सभा सदस्य सब अपन अपन क्षेत्रक विभिन्न घटना आ समसामयिक घटना सबके उठान कयने छल प्रदेश सभाक अगिला बैसार साउन 30 गते भोरे 11 बजे के लेल बजाओल गेल अछि कृषक संघर्ष समिति 12 में अलगे भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापनाक मांग कयलक अछि 12 स्थित समिति आई सभामुख सरोज कुमार यादव आ भौतिक तथा पूर्वाधार मंत्री जितेन्द्र सोनल के ज्ञापन पत्र बुझबैत एहन मांग कयलक अछि समिति प्रदेश माथात आनल गेल भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र 12 आ परसाक लेल संयुक्त रूपमे स्थापना कयल गेल प्रति आपत्ति जनौलक अछि अस्पताल आ केन्द्र परसामे मात्र नहि भ अलगे 12 मे सेहो स्थापना कयल जेबाक समितिक मांग अछि प्रदेश सभामा त्यसले मन्त्रालयमा पुगेका थियौँ कृषि मन्त्रालयमा त्यहाँबाट त्यहाँ फर्केर हामीहरू प्रदेश सभामा आइपुग्यौँ यहाँ डेलिगेसनमा हामी आज जिल्ला पशु सेवा कार्यालयलाई जिल्ला पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भनेर पार्सामा 12 खारिज गरी पार्सामा सारेको हुनाले त्यही हामीले अथवा त्यही 12 हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यसैको डेलिगेसन गरेर हामीहरू आन्दोलन जारी छ 15 हामीहरू भोलिदेखि आन्दोलनमा बस्छौँ हामीहरू अनसनमा बस्छौँ त्यहाँ जसरी होस् हामीहरूले अफिस खारिज त्यहाँ 12 कायम गराउनको लागि हामीहरू आन्दोलन जारी गरिराखेको छौँ समितिक पदाधिकारी पशुपालन सहित पशु संघ सम्बन्धित गतिविधि 12 अधिक रहलासँ अलगे भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापनाक मांग कयल गेल बतौलनि ज्ञापन पत्र बुझैत मंत्री सोनल समितिक मांग जायज रहल कहैत केन्द्र सरकार कार्यालय सब समायोजन करबाक नाममे दू जिलामे एक कार्यालय गठन कऽ रहल प्रति असंतुष्टि जनौलनि ओ समितिक मांग प्रदेश सरकारसँ सम्बोधन कयल जेबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि विशेष तौर पर खास तौर पर जिनमें हमारे सभी पार्टी के यहाँ माननीय लोग हैं चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय हों चाहे वो कांग्रेस पार्टी के माननीय हों फोरम के माननीय प्रदेश सभा के सदस्य हों हमारे यहाँ भाजपा के प्रदेश सभा के सदस्य हों या प्रदेश सभा में जितने सदस्य हैं ये सभी लोग पार्टी से ऊपर उठ करके आपके पक्ष में जनता के पक्ष में हैं कि कम से कम जनता के सेवा सुविधा के लिए कार्यालयों की स्थापना जिलागत रूप में किया जाए तो विशेष रूप से इनको भी धन्यवाद और आपको फिर प्रदेश सरकार से भी ज़्यादा केंद्रीय सरकार ने जब नया संरचना में कार्यालयों का व्यवस्थापन कर रही है तो कार्यालयों का उस समायोजन के नाम पर संख्या घटाए जा रहे हैं जैसे आपने पशु की बात कही है उसी प्रकार से खाने पानी का बात है एक नया बात भी आपको बता दे रहा हूँ कुछ दिन के बाद आपको तुरंत के खाने पानी के लिए हो सकता है कि इसी तरह के डेलीगेशन आना पड़े पहले प्रत्येक जिला में खाने पानी का कार्यालय था अभी केंद्रीय सरकार ने प्रत्येक 2 जिला में एक खाने पानी कार्यालय का व्यवस्था किया है उसी प्रकार से सड़क का व्यवस्था सड़क कार्यालय को पूर्वाधार कार्यालय के रूप में प्रत्येक 2 जिला में एक पूर्वाधार कार्यालय का व्यवस्थापन करने का बात कही है लेकिन प्रदेश सरकार के तरफ से हम लोग अत्यंत गंभीर हैं अत्यंत सचेत हैं कि कोई भी जिला ऐसा नहीं है यहाँ जिसका जनसंख्या 7 के हाराहारी से कम हो तो 7 वाला जिला में और 2 जिला को मिला करके हम एक कार्यालय बनाएंगे तो लगभग 14-15 जनसंख्या होता है तो एक कार्यालय 14-15 लोगों को कैसे सेवा दे सकेगा ये अत्यंत अव्यवहारिक है और असांदर्भिक है इसीलिए जो महत्वपूर्ण कार्यालय हैं खासतौर पर खाने पाने का ऑफिस सड़क पूर्वाधार का ऑफिस पशु का ऑफिस ये सभी ऑफिस आपको कृषि का ऑफिस ये सभी जो ऑफिस है ये जिलागत रूप में ही व्यवस्थित रहना चाहिए इनको स्थापना किया जाए इसलिए आपका जो मान है वो
बारा में बीतल समय में रहल पशु सेवा कार्यालय तथा पशु सेवा केंद्र सब के केंद्र सरकार खारिज कक नया संरचना अनुसार वेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केंद्र स्थापना कर रहल है। मुदा दू जिला के लेल एकटा मात्र अस्पताल तथा केंद्र खड़ा कयल गेल प्रति समिति के आपत्ति रहल है। मारवाड़ी युवा मंच जनकपुर धाम में एकदम सराहनीय काज केने अछि। मंचक आयोजना आ मारवाड़ी सेवा समिति काठमांडूक संयोजकत्व में भेल एक विशेष समारोह के बीच जनकपुर धाम में प्रदेश दू के प्रमुख रत्नेश्वर लाल कास्त पैर नहीं भेल फरक क्षमता भेल व्यक्ति सब के कृत्रिम पैर वितरण केने अछि। या पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो, हर कोई इसके लिए बहुत तैयार है। मैं बहुत बहुत हृदय से आप लोगों को, आपके समाज के खासकर महिलाओं को, बच्चियों को, पुरुष वर्ग को और युवाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस तरह का काम करने से एक मन में आपकी सिद्धि होती है, एक मन में प्रेरणा होता है और कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छी समाज का एक चरित्रवान समाज का निर्माण है। यह बहुत बढ़िया है और ऐसा समाज निर्माण हो। अभी देखिए समाज में इतनी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, समाज को चरित्रवान होना बहुत आवश्यक हो गया। कार्यक्रम में संबोधन करे प्रदेश प्रमुख कास्त मारवाड़ी समाज की प्रशंसा करे समाज सेवा में समुदायक निक योगदान रहल धारणा रखलें। जनकपुर धाम में मात्र नहीं भ काठमांडू विराटनगर बीरगंज लगायत और स्थान में से हो इस समुदायक सामाजिक क्षेत्र में क्रियाशील रहल है। चित्रवा समाजक निर्माण में एहि प्रकारक काज सब उत्तम रहल हुनक कहब अछि। शारीरिक रूप में अशक्त भेल सबक लेल कृत्रिम पैर वरदान जेहन रहल कहत ओ एहि सहयोग से हुनका सबक मनोबल बढ़बाक विश्वास व्यक्त कयलनि। कार्यक्रम में प्रदेशसभा सदस्य राम आशीष यादव 10 लाख से बेसी रकम के कृत्रिम पैर वितरण केने मारवाड़ी समाज के धन्यवाद ज्ञापन कयलनि। समाज में अपन परोपकारी भूमिका निर्वाह करबाक लेल एहि से बड़का उदाहरण आर किछु नहि भऽ सकबाक यादवक कहब अछि। प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर शाह पैर नहि भेल फरक क्षमताक भेल व्यक्ति सबके लेल एहि से बड़का खुशी के बात नहि भऽ सकबाक बतौलनि। मारवाड़ी युवा मंच जनकपुरक अध्यक्ष अभिषेक चौधरी अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में समाजसेवी रामचंद्र शाह स्वर्गदारी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केने पवन सिंघानिया के सम्मान कयल गेल छल। मारवाड़ी युवा मंच एहि से आगू सेहो एहन काज करैत आबि रहल कहैत व्यापारी निर्मल चौधरी शुभकामना व्यक्त कयलनि। कार्यक्रम में धनुषा महोत्तरी सिरहा सरलाही लगायतक स्थान से आयल 25 गोटे के ई सामग्री वितरण कयल गेल छल। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्राम। विश्रामक बाद बालक निशान के अपहरण का हत्या के निहार सब इनकाउंटर में मारल गेल गृहमंत्री के दावी। प्रदेश नंबर 2 में संसदीय मामला पत्रकार समाज गठन, मनिका झाक नेतृत्व में 9 सदस्य रहल समाज गठन। आ सरकार से और 2 प्रकारक पासपोर्ट के व्यवस्था आनल गेल, आब नेपाल में 6 प्रकारक पासपोर्ट। विश्रामक बाद आप बाकी के प्रसंग सब। गृहमंत्री रामबहादुर थापा नेत विक्रम चंद नेतृत्व नेकपा प्रवक्ता खड़ग बहादुर विश्वकर्मा प्रकांड अपराधी भेला से नियंत्रण में लेबा पड़ल स्पष्टीकरण देलने। गृहमंत्री थापा चंदा आतंक आ राज्य विरुद्ध ध्वंसात्मक गतिविधि जेहन गैर कानूनी काज कला से सरकार प्रकांड के नियंत्रण में ल कानूनी कार्यवाही शुरू केने स्पष्ट कलन। ओ सरकार गैर कानूनी क्रियाकलाप में संलग्न केकरो ऊपर कार्यवाही करवाक चेतावनी सेहो देलन। आई भोरे भरतपुर विमानस्थल में स्थानीय संचारकर्मी सब संग राखल गेल जिज्ञासा के जवाब दैत गृहमंत्री थापा ध्वंसात्मक गतिविधि में संलग्न आ चंद नेतृत्व नेकपा संघ सरकार वार्ता आ कार्यवाही एक ही साथ आगे बढ़ेबाक नीति लेने से स्पष्ट कलन। विकास दर 8% निश्चित शासन को सर्व एउटा नियमित प्रक्रिया गैर कानूनी क्रियाकलाप करने लाई और गृह मंत्रालय काम कानून को कानून गराउने हो। विशेष गरेर प्रकरणलाई समात्ने को पछाड़ी में जुन यो चंदा आतंक र जुन ध्वंसात्मक गतिविधिहरुमा चाहिँ यो समय जुन लागेको छ राज्यका विरुद्धमा चाहिँ त्यो सन्दर्भमा उनी एउटा वारेन्टेड पनि थिए, त्यस सन्दर्भमा उनी गिरफ्तार भएका हुन्। गृहमन्त्री को काम भनेको अपराधीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने हो, त्यसकारणले अब अपराधीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियामा ती घटनाहरू हुने गर्छन्। निश्चित रूपमा जसले चाहिँ कानुनलाई उल्लङ्घन गर्छ, जसले विधिलाई उल्लङ्घन गर्छ
त्यसलाई हामी अपराधी भन्छौँ. हामीले चाहिँ त्यो समूहसित र अन्य समूहसित पनि समस्यालाई राजनीतिक रूपले एकातिर हल गरेर अर्कोतिर चाहिँ त्यसलाई प्रशासनिक रूपमा नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ. त्यही अनुसार नै काम अगाडि बढिरहेको अब छानबिन. गृहमन्त्री थापा बालक निशान खड्काके अपहरणका हत्याके निहारके इन्काउन्टरमे मारल गेल दावी सेहो कयलनि. ओ 24 घण्टा भित्रै अपहरणकारी सबके नियन्त्रण मिल निस्तेज गर सरकार सफल भेल दावी सेहो कयलनि. एक हदसम्म चाहिँ छानबिनको प्रक्रिया अब हत्याराहरू र अपहरणकारीहरूलाई चाहिँ सरकारले 24 घण्टामा तिनीहरूलाई निस्तेज गरेको छ र हामीलाई प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चाहिँ ती अब मुठभेडमा नै मारिएका हुन् भन्ने रिपोर्ट छ. यो विषयमा निश्चित रूपमा हल्लाहरू छन्. यी हल्लाकै रूपमा हामीले यसलाई बुझेका छौँ. मुख्य कुरा सरकारले आफ्नो दायित्व सफलतापूर्वक निर्वाह गरेको छ. यो अपहरणकारीहरूकोलाई निस्तेज गरिएको छ. मूल कुरा त्यो सरकारले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गरिसकेको छ. गृहमन्त्री थापा सरकार चालु आर्थिक वर्षभित्र 8% दरसँग आर्थिक वृद्धि दर कायम गरेर केन्द्रित भएल सेहो बताउने छ. प्रतिनिधि सभाक सभामुख कृष्ण बहादुर महरा आध्यात्मिक ज्ञान के देश आ जनता के सेवा में आनल जेबा में जोड़ दिलने. सभामुख महरा आध्यात्मिक ज्ञान के अपन स्वार्थ सिद्धि में नहीं लगाल जेबाक सेहो बतौलन. ओ राजनीति करा वाला सब देश आ जनता के सेवा में समर्पित होबा आवश्यक रहल बतौलन. ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केन्द्र आई काठमांडू में केने कार्यक्रम में सभामुख महरा सकारात्मक चिंतन के देश के विकास आ प्रगति के धारणा रहल तर्क सेहो कयलन. वो कम्पिटिसन नहीं सेवामा हामी चाहिँ राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले हामी राष्ट्र सेवामा जनताको सेवामा लगाउँछौँ. ज्ञान हामीमै सीमित गर्दैनौँ, आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै प्रयोग गर्दैनौँ. त्यही चिज हामीले खराब चिजलाई एभोइड गर्छौँ र राम्रो चिजलाई सकारात्मक सोचलाई पोजिटिभ थिङ्किङलाई हामीले समाजमा फेरि स्थापित गर्छौँ, व्यवहारमा लान्छौँ. यही चिज अहिले आशा दिदीजीको भनाइको सार तत्त्व मैले बुझेँ. सबै चिज लिनुहोस्, ओपन हुनुहोस्. हामी हाम्रो दिमाग ओपन हुनु पऱ्यो. हामी जड भएर कुनै पनि चिज ग्रहण गर्न अयोग्य खालको एक्सेप्टै एप्रिसिएटै नलिने नसुन्ने सबै चिज सुन. सकारात्मक चिजलाई एक्सेप्ट गरौँ र नकारात्मक चिजलाई एभोइड गरौँ र हामी एउटा एउटा सेन्ट्रलाइज एउटा एउटा थिङ एउटा चेतना ज्ञान प्राप्त गरौँ. त्यो ज्ञान प्राप्त ज्ञान व्यवहारमा लागू गरौँ. यो यो नै आजको प्रवचनको मूल भाव हो भन्ने मैले बुझेको छु. राम्रो कुराहरू कार्यक्रममा नागरिकले सतमार्गमा आगा बढाव आध्यात्मिक ज्ञानक आवश्यकता रहल धारणा सेहो व्यक्त कयल गेल छ. संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतक विद्यान व्यवस्थापन समितिके कार्यविधि पारित कयल गेल अछि. समितिक आई सिंह दरबारमे बैसल बैसार सचिवालयसँ प्रस्तावित कार्यविधि परिमार्जन सहित पारित कयलक अछि. सचिवालयसँ प्रस्तावित कार्यविधि परामर्शमे उठल प्रश्न सभक जवाब सहित पारित कयल गेल. समितिक ज्येष्ठ सदस्य हरिचरण शिवकोटी जानकारी देलनि. कार्यविधिमे पत्रकार सबके बैसारमे जाय रोक लगेबाक धरके व्यवस्था कयल गेल छल. समिति आवश्यक मान्य समय पत्रकार सबके बैसारमे जाय रोक लगाब सकबाक व्यवस्था सेहो कार्यविधिमे कयल गेल. समितिक सदस्य परशुराम मेधी गुरुङ बतौलनि. कार्यविधिमे बैसार अवधिभर सदस्य सबके मोबाइल फोन चलाब सेहो प्रतिबन्ध लगाओल गेल अछि. तहिना सभापति अथवा सचिवालयके पूर्व जानकारी नहि दऽ कऽ बैसारमे सदस्य सब अनुपस्थित नहि भऽ सकबाक व्यवस्था सेहो कयल गेल अछि. प्रदेश नम्बर 2 में संसदीय मामला पत्रकार समाज गठन कयल गेल अछि. नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाक आयोजनामे भेल पत्रकार सभक भेला से अन्नपूर्णा पोस्टक धनुषा समाचारदाता मनिका झा के नेतृत्व में 9 सदस्य समाज गठन कयल गेल अछि. समितिक उपाध्यक्ष में दैनिक जनकपुरक कैलाश दास, सचिव में टीवी टुडे जनकपुरक दीपक कर्ण, कोषाध्यक्ष में उज्ज्वल नेटवर्क के शैलेन्द्र महतो चयन भेल छथि. समितिक सदस्य सब में माउंटेन टीवी के बटुकनाथ झा, थाहा समाचार के गोविंद महतो, अपन टीवी के संजय शाह, कान्तिपुर टिभीक ब्रिकेश यादव आ समाचार दैनिकके नेहा झाके सर्वसम्मति चयन कयल गेल अछि. नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा आ नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नम्बर 2 के रोहबरमे संसदीय मामिला पत्रकार समाज प्रदेश 2 गठन भेल अछि. तहिना समितिक सल्लाहकारमे महासंघ प्रदेश 2 के महासचिव किरण कर्ण, महासंघ धनुषा शाखाक अध्यक्ष अनिल मिश्र, राष्ट्रसँ
के हिमांशु चौधरी, रेडियो नेपालक अजय झा, कान्तिपुर दैनिकक श्याम सुन्दर शशि, लोकान्तर के अजय अनुरागी, तराई टाइम्स के वीरेन्द्र रमन आ नेपाल टेलीविजन के श्रीनारायण शाह के चयन कयल गेल। संसदीय रिपोर्टिंग के क्रम में आवय वाला बाधा व्यवधान के निराकरण एवं सहज समाचार संकलन के लेल वातावरण तैयार करबाक उद्देश्य सहित संसदीय मामिला पत्रकार समाज गठन कयल गेल। साथे नेपाल पत्रकार महासंघक आयोजना में भेल सूचना के हक आ पत्रकारिता विषय छलफल कार्यक्रम में जनकपुरक पत्रकार सब सूचना के हक आ जटिलता के विषय में अपन अपन धारणा रखने सब। खुशी लागल प्रदेश सरकार वास्तव में हमरा के प्रतिपक्ष है। नेपाल पत्रकार महासंघ के दूटा कार्यक्रम हम खेद नहीं व्यक्त कर प्रदेश सरकार प्रति द्वारा सब प्रतिपक्षी पत्रकार के बुझे से आई प्रमाणित सही समस्या को पहचान करी संबंधित सरोकार वालासंग विषय को चाहे सूचना हासिल करें जो प्रस्तुत करूर्ने हो तेस में ज्यादा ठूल कमी कमजोरी हमी में छ कर वाला निकाय सब व्यक्ति सब पदीय व्यक्ति सब उस सब जैसे एक दुरुपयोग कर रहा है हथियार दुरुपयोग आयोग बनौने से लेकिन उनके घर से तो बार्गेनिंग करे अहिठाम से अहाँ के सी डी ओ जे हमरा सबके लग में खबर से हो आले जे संगठन बम्बे नहीं है लिया वही संगठन के पहल कार्यक्रम के नाम पर पैसा वसूली भ गेल छे तो अय में बदनामी ओ आदमी के नहीं हेतै किया कि ओ तो नव आगंतुक छे कतो से हेतै किछ करते बदनामी तो हम अहाँ जे सब 10 वर्ष से दिन रात नहीं बुझ कर काज कर रहल छी ओकर बदनामी छे ओकरा केना नियंत्रण करबे महासंघ ओकरा केना नियंत्रण करते। पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा विभिन्न निर्णय सब समेत केने छ। सवारी साधन में हो वाला प्रेस दुरुपयोग के रोकथाम में लेल संबंधित निकाय संघ समन्वय का कार्यवाही के लेल सक्रियता बढ़ेबाक पत्र प्रतिभाक भरखरे सार्वजनिक कयल गेल वर्गीकरण के नतीजा में जनकपुरक किछ पत्रिका सबके अवमूल्यन कयल गेल कहित नतीजा पुनरावलोकन के लेल प्रेस काउंसिल के पत्राचार करबाक निर्णय कयल गेल। तहिना धनुषाक स्थानीयतः आ प्रदेश सरकार बीतल आर्थिक वर्ष में कोन कोन पत्रिका के कतेक विज्ञापन देने अछि संबंध में अथवा दे करब सब तह में पत्राचार करबाक अन्य वर्ग में रहल रहितो अन्यथा वर्गक पत्रिका में लिख आ पाठक आ विज्ञापनदाता के भ्रम में पार कर काज कर रहल पत्रिका सबके कार्यवाही कर प्रेस काउंसिल के पत्राचार करबाक निर्णय समेत कयल गेल। सिरहाक मिर्चैया नगर पालिकाक मेयर श्रवण कुमार यादव कर वृद्धि विरुद्धक संघर्ष में मुठभेड़ में परिणत कर खोजने व्यापारी नेता तथा नागरिक अगुवा आरोप लगौलक। मिर्चैया नगर पालिका बढ़ौने कर विरुद्ध सर्वपक्षीय बैसार बैस रहल समय मेयर श्रवण कुमार यादव किछ उच्छृंखल युवा सबके बैसार स्थल में प्रवेश कराकर सामाजिक मुठभेड़ कराब खोजने व्यापारी बुद्धिजीवी समाजसेवी तथा स्थानीय नेता सब आरोप लगौलक। ओ सब विज्ञप्ति निकाल कर एहन आरोप लगौलक। एहि बीच मिर्चैयाक व्यापारी नेता नागरिक अगुवा लगात बैसार कर वृद्धि फिरता लेब मांग कलक। तहिना नगरपालिका विभिन्न योजना लगातक आय व्यय के विवरण उपलब्ध कराब आनाकानी करत अला पर विरोध जनबत ओ सब सूचनाक हक के गारंटी करबाक मांग कलक। बैसार आय व्यय के विवरण तत्काल उपलब्ध कराब से हो नगर पालिका संग मांग कलक। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्राम। विश्रामक बाद सरकार से और दू प्रकारक पासपोर्ट के व्यवस्था आनल गेल। आब नेपाल में 6 प्रकारक पासपोर्ट आ सरकार लागू कयने श्रम नियमावली प्रति उद्योगी सबक आपत्ति। विश्रामक बाद अब समाचारक बांकी के प्रसंग सब। नेपाल सरकार दू किसिमक पासपोर्ट बढ़ावा लागल अछि। एखन कूटनीतिक विशेष साधारण आ यात्रा अनुमति पत्र अर्थात ट्रैवल डॉक्यूमेंट कऽ कऽ 4 किसिमक पासपोर्ट रहला में आब दू किसिमक आओर बढ़ावा लागल अछि। सरकार संसद में पेश केने राहदानी एंड संशोधन विधेयक में 5 किसिमक राहदानी आ ट्रैवल लॉग जारी करबाक व्यवस्था प्रस्ताव कयलक अछि। बढ़ाओल जेबाक दू किसिमक पासपोर्ट में सर्विस पासपोर्ट आ सीमेंस पासपोर्ट रहल अछि। कूटनीतिक कर्मचारी अथवा विशेष पासपोर्टधारी विदेश में लऽ जायवला सहयोगी के सर्विस पासपोर्ट देबाक व्यवस्था विधेयक में कयल गेल अछि। तहिना विदेश में पानि जहाज में काज करयवला सबके लेल साधारण हरियर पासपोर्ट संगे सीमेंस पासपोर्ट के रूप में लॉग बुक उपलब्ध करेबाक विधेयक में प्रस्ताव कयल गेल अछि। उद्योगी सब सरकार लागू केने श्रम नियमावली प्रति आपत्ति जनौलक अछि। नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघ सरकार इएह महीना से लागू केने श्रम नियमावली छोट छीन उद्योगी के समस्या दैत आपत्ति जनौलक अछि। नियमावली में कयल गेल व्यवस्था अनुसार उद्योग चलाब नहीं सकबाक निष्कर्ष निकालत महासंघ एहि संबंध में प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के ध्यान आकर्षण करबाक निर्णय सेहो कयलक अछि।
सरकार सावन महीना से लागू केने नियमावली के कारण उद्योग चलाब नहीं सकबाक अवस्था आयला से एहि संबंध में प्रधानमंत्री के ध्यान आकर्षण करबाक निर्णय कयल गेल। महासंघक कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह जानकारी देलनि। आई काठमांडू में सरकार किछु दिन पहिने लागू केने श्रम नियमावली के विषय में परामर्श केने छल। ओहि परामर्श में भाग लेत महासंघ कार्यवाहक अध्यक्ष सिंह ई नियमावली अपना सबके समस्या बढ़ौने बतौलनि। नियमावली में श्रमिक सबक न्यूनतम मासिक परिश्रमिक 13,400 से तोकल गेल अछि। महासंघक अध्यक्ष सिंह ई पारिश्रमिक देबाक अवस्था सेहो नेपालक छोट छीन उद्योग सब संग नहि रहल स्पष्ट कयलनि। ल्याउनु भएको नियमावली अनुसार हाम्रो उद्योग सञ्चालनमा अति नै कठिनाई भएको हुनाले अब यसलाई कसरी तपाईँहरूले सहज गरिदिने हो भने हामी नेपाल सरकारसँग यसभन्दा पछाडि हाम्रो अर्को कदम नेपाल सरकारको क्याबिनेट स्तरीय मन्त्रीसँग भेटेर यसलाई हामीले मतलब सरल विनियमहरूलाई सरल गरिदिनका लागि प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट्नुपर्छ। जहाँ जहाँ यसका सम्बन्धित निकायसँग भेटेर हामी अगाडि बढ्ने कार्यक्रम छ। सरकारसँग दक्ष मजदूरक लेल आवश्यक तालिमक व्यवस्था कयल जेबाक कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहक कहब अछि। सरकार लागू केने श्रम नियमावलीमे विदेशी मजदूर के काज करय देब नहि मिलबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। महासंघ ई व्यवस्था नियमावलीमे कयल गेल पर सेहो आपत्ति जनौलक अछि। सरकार काठमांडू सहित देशक मुख्य मुख्य शहर में खाद्य सुरक्षा अभियान संचालन कर लागल अछि। कृषि तथा पशुपक्षी मंत्री चक्रपाणि खनाल खाद्य वस्तु में शुद्धता आना राजधानी काठमांडू सहित देशक मुख्य मुख्य शहर में 6 महीना खाद्य सुरक्षा अभियान संचालन कर लागल जानकारी देलनि। ओ खाद्य वस्तु के गुणस्तरीय बनाब कड़ा कदम उठाब खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण विभाग के सचेत कराओल गेल सेहो बतौलनि। आइ काठमांडू में भेल कार्यक्रम में मंत्री खनाल 3 महीना भीतर दूधक गुणस्तर कायम करबाक योजना सेहो आगा बढ़ौलनि। त्यसलाई ब्याङ्कसँग पनि जोडेर गरिएको मासुको नियम धेरै सुधार्यो र अबको 3 महिना भित्र हामीले दुधलाई धेरै नै गुणस्तरीय रूपमा अगाडि ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। त्यही अनुसारै हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले 22 वटा पानीको फ्याक्ट्रीहरूमा तालाबन्दी गरेका छौँ र उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउनु पर्छ भनेको छु मैले। र पानी जसले सुदृढ गर्दैन ती सबै फ्याक्ट्रीहरू बन्द गरिन्छ, त्यो मैले भनिसकेको छु। र हाम्रो खाद्य गुणनियन्त्रण विभागलाई हरेक चोक गल्लीमा यहाँ भएका सम्पूर्ण हाम्रा इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गरेर चेक गर र मोबाइल भ्यानहरू छन् ती सबै प्रयोग गर र 6 महिना कम्तीमा हामीले यो खाद्य सुरक्षा अभियान भनेर चलाउनुपर्छ। मुख्य गरेर काठमाडौँका र मुख्य सहरहरू देशका अरू सहरहरूमा पनि त्यो चलाउनुपर्छ भनेर कडा निर्देशन दिएको छ। मन्त्री खनाल दूषित पानी उत्पादन करयवला सब उद्योग बन्द करबाक चेतावनी सेहो देलनि। सरकार दूषित पानी उत्पादन केने कहैत 22 टा पानी उद्योगमे तालाबन्दी केलक अछि। मन्त्री खनाल सरकारसँ जनताक अपेक्षा अनुसार काज कर आओर किछु महीना लगबाक सेहो बतौलनि अछि। बांग्लादेश सेहो नेपालक जल विद्युत क्षेत्रमे लगानी करय लागल अछि। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन आ बांग्लादेशक पावर एनर्जी तथा मिनरल रिसोर्स राज्य मन्त्री नसरुल हमिद बीच समझदारी पत्र में हस्ताक्षर भेला संगे नेपालक ऊर्जा क्षेत्र में बांग्लादेश लगानी करबाक मार्ग खुजल अछि। आई काठमांडू में बांग्लादेश नेपाल से 500 मेगावाट विद्युत खरीद कर मिलबाक उद्देश्य से दुनू देश बीच जल विद्युत क्षेत्र में लगानी बढ़ेबाक समझदारी कयल गेल अछि। नेपालक जल विद्युत क्षेत्र में लगानी बढ़ावा बांग्लादेश संग महत्वपूर्ण समझदारी कयल गेल। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री पुन जानकारी देलनि। ओ दू देश बीच जल विद्युत खरीदक लेल भारत संग समन्वय कऽ विद्युत प्रसारण लाइन बनेबाक समझदारी सेहो कयल गेल अछि। त्यसै गरी महामहिम मन्त्रीजीसँग उहाँको डेलिगेसनसँगको छलफलमा हामीले दुवै देशका सरकारहरूले संयुक्त रूपमा वा निजी क्षेत्रसँग नेपालको जल विद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरो पनि हामी द्विपक्षीय छलफलमा हामी महत्त्वपूर्ण छलफल गरेका छौँ। त्यसै गरी बङ्गलादेशले सोलर ऊर्जा सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा गरेको प्रगति हामीले गरिराखेको यो क्षेत्रमा चाहिँ काम पनि आपसी सहकारी गर्ने कुरा भएको छ। त्यसै गरी उहाँहरूले नेपालमा उत्पादन हुने थुप्रै जल विद्युत आयोजनाहरूका बिजुलीलाई विद्युतलाई सिधै बङ्गलादेशमा आयात गर्ने उहाँहरूको चाहिँ कार्यक्रम रहेको बताउनु भएको छ। र सिधै
कार्यक्रम में बांग्लादेशक पावर एनर्जी तथा मिनरल रिसोर्सेज राज्य मंत्री हामिद नेपालक जल विद्युत में लगानी कर दू देश बीच समझदारी कल गल बतौलन ओ सौर ऊर्जा के लिए नेपाल के आवश्यक प्रविधि हस्तांतरण कर सेहो अपन देश तैयार रहल स्पष्ट कलन। एहि वर्षक गणेश मानसिंह सामुदायिक वन प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार पाल्पा स्थित अंधेरी छरछरे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के भेटल अछि। सरकार प्रदान करैत आबि रहल 1,00,000 नगद सहित की पुरस्कार वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत पाल्पा स्थित अंधेरी छरछरे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के प्रदान कयलनि अछि। सामुदायिक वन राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आइ काठमांडू में आयोजन केने कार्यक्रम में 75,000 राशिक गणेश मानसिंह सामुदायिक वन दोसर राष्ट्रीय पुरस्कार अर्घाखाँची स्थित धीरी खोला सामुदायिक वन के देल गेल। गणेश मानसिंह सामुदायिक वन तेसर राष्ट्रीय पुरस्कार कपिल वस्तुक वीरपुर जन कल्याण सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति के प्राप्त भेल। सरकार एहि वर्ष सामुदायिक वन पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार द्वय अब्दुल मियाँ आ कोकिला भंडारी के प्रदान कलक। सरकार हरेक वर्ष वन क्षेत्रक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देनिहार के सम्मान प्रदान करैत आबि रहल अछि। मंत्री बस्नेत सरकार देशक आर्थिक समृद्धि के नीक योगदान देनिहार सब के सम्मान करैत जेबाक नीति लेने सेहो बतौलने अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। धनुषाक मिथिला नगरपालिका में डकैती डाकू सँ प्रहार कयल गेल सँ एक गोटे घायल। प्रदेश नंबर दू प्रदेश सभा से आकस्मिक कोष संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक स्वीकृत। कृषक संघर्ष समिति 12 से अलगे वेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केंद्र स्थापना की मांग। जनकपुरक मारवाड़ी युवा मंच से सराहनीय काज विभिन्न कारण से पैर गुमौने सब के कृत्रिम पैर वितरण कलक। आ बालक निशान के अपहरण क हत्या केनिहार सब के इनकाउंटर में मारल गेल गृहमंत्री के दादी। बेस्ता अपन समाचार एखन लैत वै पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।